स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा आज हरियाणा की लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यालय का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। इसी कड़ी में सढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र का कार्यालय बिलासपुर में खोला गया, जिसमें भाजपा सढ़ौरा एवं बिलासपुर के मंडल स्तरीय समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पदाधिकारी आदि शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह सहित भाजपा के अनेकों वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं अन्य सदस्यों द्वारा अपने विचार भी रखे गए। तो आइए शुभारंभ की इस कार्रवाई में शामिल होते हैं और क्या कुछ वहां पर भाजपा नेताओं ने कहा वो भी सुनते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अधिक से अधिक मार्जिन से जीती जाए, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास करना है समर्थित कैंडिडेट, क्योंकि हमारा जो देश का नेतृत्व है वो सबसे बेस्ट जो चीज है, सबसे बेस्ट जो कैंडिडेट है वो आपके पास भेजेगा। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, इस अवसर पर हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और ये संकल्प लेकर आप लोग सारे अपने फील्ड में जाए कि हम ये जो हमारे ऊपर जो भी जिम्मेवारी है, छोटा कार्यकर्ता है चाहे बड़ा कार्यकर्ता है, जिसके ऊपर जो भी जिम्मेवारी है उसको अपनी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और मेहनत से हम इसको पूरी करेंगे। और हमारी विधानसभा, क्योंकि हम अपनी विधानसभा की बात कर रहे हैं, हमारी विधानसभा सबसे ऊपर रहे, क्योंकि हमारे पास कार्यकर्ता ऐसे है इस लोकसभा में हमारी सबसे ज्यादा भागीदारी रहे, चाहे वोट के मामले में हो चाहे काम के मामले में हो, हम सब आगे बढ़कर काम करें। इसी में हम अभी पार्टी के सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता जो 2019 के बाद लगातार पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने में लगे रहे और हमारे हलके से तीन बार विधायक रहे चौधरी बलवंत सिंह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी की टीम, मैं आपका यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, हमने लगातार 4 साल पार्टी द्वारा दिए गए हर छोटे बड़े कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना खून पसीना और अपना समय हमने लगाया। अब आज तक जो भी हम कार्य करते रहे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात अपने वक्तव्य में कही थी कि 2014 से 19 तक जो खड्डे 70 वर्षों के देश में खुदे थे उनको भरने में समय लगा और 19 से लेकर 24 तक सौरा हल्के में जो दफ्तर खोलने जा रहे हैं और ऐसा नंबर नंबर हल्कों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज इनका उद्घाटन करेंगे, तो आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि लोकसभा इलेक्शन सामने है और हमें तो एक ही निशान ना हो। दोस्तों, सभी सर्वे ने अब की बार 400 पार, सभी सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक किस्म से क्लियर ही कर दी, लेकिन मैं तो संगठन की दृष्टि से आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने दम से पूछ जीते जाने और भारत बैठे हैं, वैसा भी पदाधिकारी हैं, बूथों के संयोजक भी इनमें हैं, त्रिदेव भी इनमें से हैं और जो बीएलएड वो भी नहीं मिलते हैं, तो शक्ति के अंदर प्रमुख चेयरमैन रविंद्र राणा जी, प्रतिनिधि चेयरमैन भूषण जी, फोरम में रहे चेयरमैन भईपाल जी, अयूब जी, भूषण जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के ब्लॉक लेवल के, स्टेट लेवल से हमारे प्रीत बिंदल जी, हमारे जोनी राणा जी, सभी मुंशाबाद पार्टी के पदाधिकारीगण, मित्रों, दोस्तों, आज इतनी बार के बाद
मायूर जी, आप इतने बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज विधिवत रूप से लोकसभा के दफ्तर दर्शन पहले खुल गए थे और आज 90 के 90 हलकों में लोकसभा चुनाव के लिए जो ऑफिस है, ये एक ऑफिस हर विधानसभा में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोग्राम से खोलेंगे। मित्रों दोस्तों, ये लड़ाई बहुत तकड़ी है और ये लड़ाई हम सब ने मिल के लड़नी है, चाहे हम कह रहे हैं 400 पार, पर उसके लिए हमारा लक्ष्य है हमारा लोकसभा हल्का है। यहाँ से जो भी कमों का फूल लेके आएगा, हम रात दिन ढंग से उसकी मदद करके हर बूथ को जिताने का काम करेंगे, तभी जाके हमारा लोकसभा जीती जाएगी। आज काम करने के लिए, कहने के लिए और जो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं, हम उनको एक एक करके बिगड़ाए तो कई घंटे कई दिन लग सकते हैं, पर मेन काम आज चाहे कोई वर्ग है, अमीर है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, सबकी सुध लेने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने किया। आज जो दुनिया में रुतबा हिंदुस्तान का है, वो माननीय देश के प्रधानमंत्री की वजह से है। आज कहीं भी आप देश में चले जाओ, आज जो स्टेट है, कॉलेज है, जहाँ पर 1150 बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, उनमें 650 पर बच्चियाँ हैं जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, जो हमारे घाट के गाँव दलौरा है, पिपड़ी वाला है और बहुत से गाँव इतनी दूर थे कि बच्चियों को भेजना इलाज में बड़ा मुश्किल था। तो दोस्तों, आज हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि हम